तो चिकन उकेन सब आप बना देते हैं यहाँ पे? नहीं, हम बना देते हैं, सब बना देते हैं, चिकन मछली मीट सब बना देते हैं, मतलब ए टू जेड बना देते हैं। हाँ। वाह, पुलाव तड़का सारा चीज। अच्छा, पुलाव तड़का भी बना देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले जब आपको इस जगह के बारे में बता दें कि हम अभी आए हुए कहाँ पे हैं, तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है बेतीमोड़ तालाताड़, और ये जो है पतरातू में पड़ता है। मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से पतरातू डैम की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। और इस जगह पे पहुँचने के लिए हम आपको देंगे क्या, गूगल मैप का लिंक, जिस पे आप क्लिक करके हमेशा की तरह बिना किसी से पूछताछ किए इस जगह पे पहुँच सकते हैं। सो गाइस, हमने जो है आपको बताया कि इस जगह पे आप पहुँचोगे कैसे, और अब जो है हम आपको लेके चलेंगे होटल के अंदर और दिखाएंगे कि किस तरह से क्या बैठने का इंतज़ाम वगैरह है और क्या क्या जो है यहाँ पे खाने में मिलता है। तो सबसे पहले जो है आप ये देखो, कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे आपको बैठने का पूरा व्यवस्था है। कुर्सी टेबल काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, और ये है गाइस इनका किचन का एरिया जहाँ पे सारा खाना वगैरह बनाया जाता है। और गाइस, यहाँ पे जो है ना आपको खाने में वेज नॉन वेज हर कुछ मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे नाश्ता वगैरह का व्यवस्था रहता है। तो समोसा वगैरह आप देख सकते हो इस साइड पे जो है वेज खाना वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो है इसके साथ ही साथ ऑर्डर पे हर कुछ बनाया जाता है। आप जो ला के दोगे वो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बना के दिया जाता है। तो हम जो है गाइस आज यहाँ पे बनवा कर खाने वाले हैं क्या, तो बनवाने वाले हैं चिकन। तो गाइस, अपना जो है चिकन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये देखो कढ़ाई में जो है डाल दिया गया सरसों का तेल, और सारा खाना बिल्कुल जो है देसी अंदाज में कोयले के चूल्हे पे बनने वाला। और इस साइड पे कटा हुआ प्याज भी आ चुका है, और हम प्याज उधर दिखाए, दादी जो है इधर पे तब तक तेज़पत्ता जो है छौंक के रूप में इसमें डाल दिए। और तेज़पत्ता डालने के बाद इसमें डाल दिया गया आपका कटा हुआ प्याज। तो छौंक में खाली तेज़पत्ता और कुछ नहीं डालते ना अभी? ओके, और उसके बाद प्याज डाल दिए। कितना देर प्याज भूनते हैं? तुरंत ही नहीं? हाँ। अच्छा, तो चिकन उकेन सब आप बना देते हैं यहाँ पे? नहीं, हम बना देते हैं, सब बना देते हैं, चिकन मछली मीट सब बना देते हैं, मतलब ए टू जेड बना देते हैं। हाँ। वाह, पुलाव तड़का सारा चीज। अच्छा, पुलाव तड़का भी बना देते हैं। तो गाइस, इस साइड पे जो है प्याज तो अपना भुना ही रहा है, जब तक प्याज भुनाता है तब तक जो है थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में जान लेते हैं। तो दादी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आप अपना नाम बताएंगे? क्या नाम है आपका? मालती देवी। और ये जो होटल है कितना पुराना है? 8 साल। 8 साल? हाँ। अच्छा, तो ये 8 साल पुराना होटल है, और कितने बजे से खुल जाता है, खाना मिलना कितने बजे चालू हो जाता है? सुबह 5 बजे खुल जाता है। खुल जाता है, मिलना चालू कितने बजे हो जाता है, खाना पीना? 7 बजे से शुरू हो जाता है। 7 बजे शुरू हो जाता है। और रात के कै बजे तक खुला रखते हैं? 10-10:30 बजे। सप्ताह में कोई बंदी भी रखते हैं? नहीं। और खाने में क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? खाने में दाल चावल सब्जी भुजिया। अच्छा। रोटी सलाद पापड़। अच्छा, मतलब वेज नॉन वेज दोनों रखते हैं? हाँ, दोनों। सादा खाना का कितना लेते हैं दादी? 40 रुपया। और चिकन का? चिकन का कितना बेटा? 60 रुपये। तो चावल और चिकन 60 रुपये नहीं? ओके। और जैसे कोई बनवाता है आके तो क्या रेट लगता है? 100 रुपये केजी। 100 रुपये किलो लेते हैं? नहीं, मतलब हाँ, 1 किलो चिकन है तो 100 रुपये ली, आधा किलो तो 50 रुपये। चलिए बढ़िया। और मीट मुर्गा और मीट मछली का? मछली का भी 100 रुपये। मछली का भी 100 रुपये है ना? हाँ। ओके, और मीट का? मीट का तो ज्यादा है। कितना है मीट का? 150 रुपये ना। तो खस्सी जो यहाँ पे 150 रुपये किलो बना दिया जाता है। तो गाइस जो है सारा डिटेल वगैरह जो हमने यहाँ पे ले लिया है दादी से, और यहाँ पे देखो प्याज को अभी भी लगातार जो है भुना जा रहा है। कितना देर लग जाता है मुर्गा बनने में, वैसे कितना देर में बना देते? ज्यादा देर नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है, फटाफट बन जाता है। और गाइस यहाँ पे आप चेक करो, प्याज जो है ना काफी अच्छे तरीके से जो है भुन गया है, पूरा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। और अब जो है इसमें डाला जा रहा है आपका चिकन, और चिकन जो है हमने यहाँ पे लिया है एकदम पास वाले दुकान से। तो बगल में आप देख सकते हो वहाँ पे चिकन का शॉप है, जहाँ पे 200 रुपये किलो कटिंग मेरे को चिकन मिला है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना चिकन को काफ़ी अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए भुना गया, और अब जो है इसमें पेस्ट डाला जा रहा है। और ये देखो बड़े से बर्तन में जो पेस्ट रेडी करके रखा गया। तो पेस्ट में क्या क्या है वैसे दादी डाला हुआ? अदरक लहसुन और मिर्ची। तो गाइस इसमें जो है आधी लहसुन और मिर्चा का पेस्ट डालने के बाद इसको भी काफ़ी देर तक जो है ना लगभग 5 से 7 मिनट तक भुना गया, और अब जो है इसमें डाल दिया गया नमक। और गाइस नमक डालने के बाद अब जो है इसमें डाला जा रहा है पाउडर, और सबसे पहले जो है डाला गया आपका हल्दी का पाउडर। तो भाई इसमें जो है हल्दी पाउडर के बाद डाल दिया गया था आपका मिर्चा का पाउडर, और ये क्या है? मिक्स मसाला। मिक्स मसाला है। तो यहाँ पे जो है मिक्स मसाला का पाउडर भी डाल दिया गया। अभी और कोई पाउडर डालेंगे?
हाँ गरम मसाला। अच्छा गरम मसाला भी अभी डाल देंगे ना? हाँ चलिए, तो ये देख लो भाई यहाँ पे जो है अब डाल दिया गरम मसाला का पाउडर। और इन पाउडर मसालों को डालने के बाद जो है ना इसको काफ़ी अच्छे तरीके से भर करके भूंजा जा रहा है। और भाई साहब ज़्यादा क्लोज हम कैमरा नहीं ले जा सकते, पंगा ये है कि फ़ोन अपना ओवरहीट हो जा रहा है। बट ये देखो यहीं से जो है हम आपको थोड़ा सा इसको जूम करते और दिखाते हैं रंगत वगैरह कि कैसा जो है ये दिख रहा है। ये देखो तो भाई इसमें जो है मसाला पाउडर डालने के बाद इसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चलाया जा रहा है, मतलब जो भी मसाला डाला गया है काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स किया जा रहा है चिकन के साथ। और इतना तेज आँच है ना कि सब कुछ फटाफट जो यहाँ पे भुंज रहा है। और अब जो है बारी आ चुका है इसमें डालने का थोड़ा सा पानी। ये देखो हल्का सा पानी गया, पानी डालने के बाद फिर से इसको वही काम किया जा रहा है, रिपीट एकदम बढ़िया से जो है मिलाया जा रहा है। और अब जो लगता है आप ढक्कन डालेंगे क्या इस पर? हाँ जपाएगा कितना देर के लिए? बस रख हो जाएगा। अच्छा मतलब कि एक दो मिनट के लिए ढक के? हाँ एक मिनट। चलिए बहुत बढ़िया। और अब जो है इस पे लगा दिया गया है ढक्कन। तो गाइस अभी जो है ढक्कन लगाने के बाद एक बार ढक्कन हटाया गया और ये देख लो काफ़ी बढ़िया सा जो है चिकन का रंगत दिख रहा है। और यहाँ पे जो है ना आज हम खाने वाले हैं चिकन के साथ रोटी। तो रोटी भी बना के देते हैं ना? हाँ जी। कैसे लेते हैं रोटी का दादी? रोटी का 7 रुपया 7 रुपये पीस देते हैं बना के, है ना? तो ये होटल में मतलब आप हमेशा रहते हैं कि कोई और भी चलाता है? माँ बेटा रहते हैं। माँ बेटा रहते हैं, पोता पोता भी रहते हैं, मतलब पूरा फैमिली मिलके चलाना, पूरा परिवार है ना पूरा। आप रहते हैं ना? हाँ, जैसे हम आपका हाथ का मुर्गा खा के जाएंगे, आदमी लोग आएगा फिर आपका हाथ का खाने, तो आप रहिएगा ना यहाँ? हाँ, रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और भाई साहब यहाँ पे दादी हमारे को बता भी रही थी कि हम जो है मुर्गा बना के बहुत बढ़िया खिलाते हैं और खाइएगा तो बोलिएगा हाँ। तो देख के रंगत वगैरह जो ना मुर्गा का लग भी वैसा ही रहा है। तो एक बार जब हमारा मुर्गा बन के रेडी हो जाएगा तो अब हम आपको बढ़िया से इसका एक नज़ारा देंगे। और चिकन जो है अपना बन के रेडी हो चुका है और उसको साइड कर दिया गया और अब जो है रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया गया। अच्छा एक बात पूछे आपसे, आपका कितना एज हो गया होगा? हमारा 57 का जन्म है। 1957 का जन्म है? हाँ। तो ये तो हिसाब करना पड़ेगा फिर कितना एज हो रहा आपका। नहीं 57 3 60 60 और 40 43 43 43 अभी 63 63 66 साल है। 66 साल आपका एज हो गया। ज्यादा हुआ? ज्यादा 66 से ज्यादा? हाँ 67। अच्छा 67 साल हो गया। हाँ। अच्छा 67 साल आपका एज हो गया। अभी आप इस एज में भी जो है पूरा एकदम फुर्ती के साथ काम करते हैं? हाँ। तो मतलब आपका थोड़ा सा मन नहीं करता कि अब थोड़ा उम्र हो गया थोड़ा सा काम नाम छोड़ के आराम करे ऐसा? नहीं नहीं करता है? नहीं, पूरा मन करता है काम करते रहने करने के लिए। हाँ तो भाई ये होता है गाइस एनर्जी लेवल। और ये सब जो है ना पुराना खाल पीले बोल के है ना, क्योंकि अभी का जो है पोल्ट्री खा के तो ऐसा एनर्जी नहीं रहेगा इस उम्र में। तो भाई साहब देखो दादी हाँ ना कुछ नहीं बोले, फिर उनके मुस्कुराहट से आप समझ जाओ कि वो कहना क्या चाह रही है। और यहाँ पे जो है रोटी बनना भी स्टार्ट हो गया अभी। सो गाइस फाइनली जो है चिकन हमारे को बना के मिल गया। और मैं सच्चे बताऊँ दादी ने जैसा कहा था ना कि हम आपको एक नंबर चिकन खिलाएंगे, बिल्कुल रंगत से तो भाई साहब वैसा ही दिख रहा है। और अब जो है एक बार आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से चिकन हमारे को बना के मिला है। तो थोड़ा सा पास आ जाइए और दिखाइए कि चिकन कैसा जो है बना के मिला है। ये देखिए पूरा एकदम क्लोज ले लीजिए सटा के इसमें। ये देखो गाइस ये चेक करो चिकन क्या शानदार सा बढ़िया सा बना के मिला है झटपट से बिल्कुल कम मसालों के साथ। और रंगत की बात करें बहुत सुंदर दिख रहा है। और धनिया पत्ता भी काट के एकदम बारीक सा साइड में दिया गया। और ये है अपने पास बाहुबली लेग पीस बड़ा साइज का एकदम। और भाई बहुत ज़्यादा गर्म है। और रोगन की बात करें ना तो भाई रोगन बहुत ज़्यादा इसमें। ये देखो बहुत ज़्यादा मतलब कि साइड से जो है ना ऐसे अगर आप गिराओगे ना तो रोगन पूरा बाहर निकल जाएगा। खुशबू बहुत लाजवाब सा आ रहा है। और ये जो पीस है ना मैंने रखवाया था इसको ऐसा ही। ये देखो देख रहे चमक देख रहे हो मुर्गे की, ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो है बोल उठेगा। अब देखते हैं ना ये पका हुआ किस हिसाब से है। तो गर्म बहुत ज़्यादा है ये भाई साहब। ये देखो पूरा एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म। ये देखो मुर्गा जो है काफ़ी अच्छे से पका हुआ है, काफ़ी टेंडर और एकदम जूसी सा मीट है। देख रहे बहुत बढ़िया। तो भाई हमने जो है आपको नज़ारा दे दिया
कैसा चिकन बना के मिला है, और मेरे को उम्मीद है कि देख के आपके मुंह में जरूर पानी आया होगा। अब हमने क्या किया ना, प्लेट पूरा खाली कर दिया और खाली करके जो है थाली में डाल दिया। देसी आदमी भाई देसी तरीके से खाते हैं, तो सबसे पहले जो क्या करेंगे, चिकन को टेस्ट करते हैं कि ये जो है मुर्गी का टंगड़ी लग कैसा रहा है। मसाला काफी अच्छे तरीके से भुना हुआ है, इसमें थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा लग रहा है मेरे को, वो है मिक्स मसाला का। तीखा का लेवल एकदम बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना ही कम है। नमक वगैरह सब परफेक्ट, मतलब कि हमको लग रहा है ना कि दादी के पास इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है ना कि कहीं से भी आप जितना भी कर लो ना शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि सब बढ़िया से डाला हुआ है। चिकन काफ़ी अच्छे से गल भी गया है। एक जो है ना अभी छोटा टुकड़ा देखते हैं ट्राई करके, ये है बिंग्स आपका। बहुत बढ़िया, धनिया पत्ता ऊपर तो दिया गया, तो धनिया पत्ता जब साथ में जा रहा है ना मुँह में, तो धनिया पत्ता का फ्लेवर मतलब कि इसके टेस्ट को ना इन्हांस कर दे रहा है। अब जो है रोटी के साथ एक बार ट्राई करते हैं। ये लिया हमने रोटी का टुकड़ा डुबाया, जो हमारे को मिला था यहाँ पे ग्रेवी जिसमें हल्का रोगन भी था उसमें डिप करके, अब जो है पहला बाइट। चावल तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं, रोटी हर जगह नहीं हो पाता, तो हमने देखा कि दादी यहाँ पे मस्त गर्म गर्म रोटी बना रही थी किसी के लिए, तो हमने बोला दो रोटी लगे आप मेरे लिए बना दो, बड़ा मस्त रोटी भी बना सॉफ्ट सा एकदम। मतलब भाई इस तरह का जो खाना है ना इतना मज़ा आता है, मतलब कि देसी तरीके से बना हुआ चिकन कोयले के चूल्हे पर सेक के मिला और रोटी, कॉम्बिनेशन जो है ना इन सब का नेक्स्ट लेवल होता है। मजा आ रहा खाकर, बहुत बढ़िया बनाया गया, हर तरफ से सही है। और यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि होता क्या है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने तो कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे बढ़िया मिलेगा कहाँ पे बढ़िया नहीं मिलेगा, तो ये जगह है जहाँ पे हमने टेस्ट कराया का बनाया हुआ चिकन, मतलब कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ टेस्ट को लेके, रेट को लेके, और सबसे पहले क्या है ना, अच्छा रोटी यहाँ पे बहुत बढ़िया फुला फुला के मिला था। और इस तरह के खाने को जो है ना, मतलब समझो कि आप 5 में से 5 जो है नंबर दे सकते हो। मैंने जो है ना डाउट किया था उनसे, बोला था कि कैसा बनेगा, तो एकदम जो है तेज़ आवाज़ में मेरे को बोली बढ़िया बना के देंगे, हम पहले भी लोग खा के गए थे, बोला चलो बनवाते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा लगती है, मसाला बहुत बढ़िया यार। मन कर रहा चाट के खा जा, बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ मजा आ गया। तो यहाँ पे जो है ना रोटी हमने धो ही लिया क्योंकि ज़्यादा अपने को भूख है नहीं, करते इस प्लेट को ख़त्म और इस बड़े से लेग पीस को भी, और इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पेंड। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड से जो है ना ढूंढ ढूंढ कर अच्छे जगह सस्ते जगह को हम आपके पास लेके आते हैं। मिलता है कल कुछ का नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।